या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 527। बदन को तकलीफ, अगर तुम्हें बदन को तकलीफ थी तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, बदन को तकलीफ बिल्कुल नहीं था। कभी थक गया तो ऐसा रिलैक्स हो जा, आगे सो जा, लेकिन बदन को तकलीफ नहीं देता। परसों मैंने वायस की थी, गई कल सुबह गार्डन क्वार्टर्स में, कि ध्यान लगने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे सहला और आसान तरीका कि पहले अपना एक टाइम नक्की करो, 4:15 तो 4:15, 4:05 पे देखो तो 4:05 पे, हर रोज लगभग 3 वर्ष तक रोज एक टाइम नक्की करो, तो इंशाल्लाह 3 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद आपकी जिंदगी वो चीज हाथ से नहीं जाएगी। और ये चीज ध्यान लगाने में बहुत काम आई है। दूसरी बात यह है ध्यान लगाने की, कि आदमी 2-3 मिनट, ये मैंने नहीं बोला कल लेकिन मैं यहां बोलता हूं, कि 2-3 मिनट इबादत करने से पहले मौलाना हजरत इमाम का जो छेला दीदार किया हो, या भले पुराना जूना दीदार हो जाए, मगर जो अपने को दिल को बहुत पसंद हो, ऐसा साहब का पोस्चर उसको याद करो। हमने बहुत दफा दीदार किए हैं, कोई ये जमात खाने में, कोई वो जमात खाने में, कभी अपनी मेहमानी में, तो उसका जो चेहरा अपने दिमाग में बहुत पसंद है और घुस गया है, उसको बहुत याद करो और उसका ख्याल ध्यान लगाओ 1-2 मिनट। इससे आपके आजू बाजू के सब ख्याल हट जाएंगे और हजरत इमाम के ख्याल में ख्याल मिल जाएगा। फिर उसमें से मौला की जो शब्द है उसको हटा डालो और अपने बोल के ऊपर ले आओ, ये चीज बहुत मददगार बनती है। तीसरी चीज ये है कि खास करके जिस आदमी ने अभी तक अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं पाई, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि उसकी नींद उसके शरीर को जितनी चाहिए, उम्र के हिसाब से 20-25 बरस का छोकरा है उसको 6 घंटे पूरे नहीं होंगे, उसको 8 घंटे की नींद चाहिए। आज तो हाजिर इमाम 18 साल की उम्र में जो देते हैं बोल, तो इन बच्चों को 8 घंटे की नींद जरूर चाहिए। 1 दिन कभी कम हो गई तो चले, लेकिन हर रोज अगर उसकी नींद घट जाएगी 6-7 घंटे तो उसके ख्याल नहीं लगेंगे। पहले 3 बरस 4 बरस ये बहुत जरूरी है कि हम रात को 9:30-9 बजे सो जाएं, या तो इबादत करें और या फिर उसको दुनिया की कुछ मौज शौक चाहिए, सिनेमा घूमना फिरना, गप्पा मारनी दोस्तों के साथ, दो में से एक चीज उसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कभी इबादत उसको चाहिए तो इबादत के लिए उसको ये चीजों से कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वे नाइट लाइफ नहीं होनी चाहिए, 9:30-9 बजे सो जावे और जमात खाने जाने से पहले उसको खा लेना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत से मेरे छोकरे छोकरियां हैं उधर अफ्रीका में जिनको मैंने इस बात की ट्रेनिंग दी है और उनके लिए मैंने ये कोर्सेस बनाए हैं। मैं बोला तुम ऐसा करो, खाना खा के जमात खाने जाओ, जमात खाने से आके तुमको कुछ रीडिंग करनी है, पढ़ो लिखो, न्यूज सुनो, लेकिन 9:30-9 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो। और तुम्हें कम से कम 3 साल तक इस तरह से करना पड़ेगा। और रात का खाना लाइट खाओ, वीक में 2-3 दफा से ज्यादा, बहुत तो 5 तक वीक में गोश्त खाओ, यानी दोपहर को और रात को 2 दफा होते हैं, वीक में 14 दफा आदमी लंच डिनर खाता है, तो उसमें 2-3 दफा बन सके उतना कम गोश्त खाओ। और ये खुद मुझको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है
کہ گوشت کھانے سے آدمی کے خیال اچھے نہیں رہتے, اس کو مغز میں تکلیف ہوتی ہے دھیان جمانے میں. خود حضرت امام نے بھی فرمان میں گوشت کی زیادہ منائی کی ہے. چوتھی چیز جو میں نے ان کو پہلے کہی تھی لیکن اب میں یہاں چوتھے نمبر پہ بولتا ہوں, کہ رات کو عبادت کرنے کے بعد سوئے نہیں, یعنی صبح جو لوگ 5:30 بجے گھر آ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں, یہ بگنرز کے لیے ہے, وہ سونا نہیں چاہیے. اسے چلے جائیں گھومنے کے لیے, ایکسرسائز کریں اور اپنے کام دھندے پہ چلے جائیں, لیکن دوپہر کو کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا ٹائم اس کو مل سکے وہ سو جاتے ہیں. صبح کی عبادت کے بعد نہیں کرنا. اگر 3 برس اس طرح سے برابر عمل کرے تو میں خاطری دیتا ہوں کہ ضرور مولا اس کو کچھ نہ کچھ بخشش دے گا, اور اس کے لیے یہ پریپریشن کے لیے جیسے ہم بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم پینسل لے کے دیتے ہیں, پاٹی لے کے دیتے ہیں, سلیٹ لے دیتے ہیں, کتابیں کاپیاں لے دیتے ہیں, یونیفارم لے دیتے ہیں, تو اس کے لیے یہ پریپریشن 3 وقت کی دعا, جمعہ خانے کی حاضری, ہماری دسواں اور ہمارے اعمال, یہ ہماری پریپریشن ہے. ایک آدمی جس کی نیت بری ہے, جس کے دل میں کھوٹ ہے, دل میں پاپ ہے, اس کے دل میں ایمان کا نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے. گندگی کی جگہ کے اوپر پاک چیز نہیں اتر سکتی. تو یہ چیزیں ہمیں پہلے عبادت کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیزوں کی ٹریننگ ملنی چاہیے. اور حقیقت میں یہ ماتا پتا کا کام ہے کہ 12-14 برس کی عمر سے بھی پہلے بچے کو نیک اعمال سکھاوے اور اس کو اسی وقت سے سمجھاتا رہے کہ دیکھ وہ 18-20 برس کا ہوگا کسی بیتل خیال میں آئے گا تو اس وقت یہ چیزیں تجھے کام آئیں گی, کسی کا حق نہیں کھانا, ظلم نہیں کرنا, خراب عمل نہیں کرنا, نیت خراب نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, یہ سب جو چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں خراب ہیں کون سی چیزیں اچھی ہیں, ہمیں پتا ہے, ہر ایک انسان جانتا ہے, تو ہمارے اعمال بہت اچھے ہونے چاہیے. اس کے بغیر ہمیں عبادت کبھی نہیں مل سکتی. ایک آدمی دسواں دے رہے دعا بھی پڑھے جمع کھانے بھی جائے لیکن اس کے اگر اعمال اور اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے تو وہ آدمی کو عبادت میں نہ مزہ آئے گا نہ اس کا سیکھ جائے گا. تو یہ تو عشق اور محبت کا پردہ ہے. پھر آدمی اس پر عمل کرے جیسے میں نے بات کی ہے تو جب اس کی کانسنٹریشن یعنی اس کا دھیان ایک اگر ہو جائے گا تو بھلے وہ برف کے اندر بیٹھا ہو نا تو اس کو گردن کے نیچے پسینہ آ جائے گا, کیسا بھی ٹھنڈا موسم ہو, لیکن جب اس کا دھیان جم جائے گا تو بدن اس کا گرم ہو جائے گا اور اس کا گردن کے نیچے پسینہ آئے گا اور کدھر بدن میں پیٹ میں یا اس کے بغل میں پسینہ نہیں آئے. جو آدمی محنت کرنے سے یا سیزن جس وقت گرم ہوتا ہے آدمی کو جیسا پسینہ آتا ہے ادھر سے پسینہ اترتا ہے, یہ نہیں, یہ جو عبادت کا پسینہ ہے وہ گردن سے ہوگا. تو کبھی کبھی مولانا سلطان محمد شاہ پوچھتے تھے تم کو پسینہ آیا, یعنی پسینہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دھیان لگ گیا, کنسنٹریشن ہو گئی, اور یہ اچھی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہاری گاڑی لائن کے اوپر آ گئی, پھر اس کے بعد آگے چلو. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو طلب ہوتی ہے, ایک آدمی سگریٹ پیے, ایک آدمی شراب پیے, کبھی کبھی آدمی کو چائے کافی کی عادت پڑ جائے, اگر 2-4 گھنٹے تک اس کو چائے کافی یا سگریٹ نہ ملے تو اس کے دل میں طلب ہوتی ہے, وہ یاد کرتا ہے مجھے چائے پینی ہے, مجھے سگریٹ پینی ہے, مجھے شراب پینی ہے. تو اس طرح عبادت کی اس کو طلب ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں, رات ہو گئے تو میں عبادت کروں, دن کو کرنے کی منع ہی ہے تو پھر رات کو سوتے وقت بھی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اٹھوں جلدی, اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتا ہے, اور عبادت کرنے کے بعد اس کے من میں سنتوش پیدا ہوتا ہے. یہ طلب ہے. تو یہ جو طلب ہے نا, یہ خوشی ہے جسے آدمی کو
तरस लगे और उसको पानी मिले तो खुश होता है। तो मौला कभी पूछते थे, पसीना आया तुमको खुशी होती है? तो ये दूसरे स्टेज की बात, खुशी की बात है। फिर जब उसके आगे जाता है, मैंने ये जिक्र अपनी आवाज में किया है, आगे जाता है तो जैसे हम आंखें बंद करते हैं, मैंने जमात को भी बोला कि हाजिर वहां पर मैं बाहर की बत्तियां बंद करो, एक छोटी सी बत्ती रखो। और ये छोटी सी बत्ती रखने का कारण इतना है कि जमात खाने में बाहर से कोई आदमी लेट आवे तो किसी को वो लग न जावे, मारे नहीं। लेकिन हम अपने घर में या ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जहाँ कोई हमें डिस्टर्बेंस नहीं, तो बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा होना चाहिए। तो ऐसे आदमी को जो आगे बढ़ेगा, 3 महीने 6 महीने 12 महीने जब मौला उस पर राजी हो गए, तो सुबह के वक्त किस तरह से रात का अंधेरा दूर होता है और जो होराइजन है समुन्द्र का या जमीन आसमान मिलते हैं उस जगह के ऊपर, अंधेरा घटता है और एक लाइन निकलती है सफेदी की। इस तरह हमारे अंदर सफेदी की लाइन निकलेगी तो वो जो चमक होगी, सफेद लाइन दिखेगी अपने को। आंख खोलोगे तो अंधेरा दिखेगा, बंद करोगे तो वो लाइट दिखेगी। ये लाइट नूर नहीं लेकिन खुशी और संतोष की रोशनी है, और नूर के आने के ये आसार है, निशानियां हैं। और बाज आदमियों को अपना मन उसका गाना गाते हुए संगीत के तौर पे उसके अंदर झंकार होता है। जब ये लाइट आती है, इसके बाद की ये स्टेज है कि उस आदमी को संगीत मिलता है। वो आदमी खुशी में जिस तरह से गाना गाता है, इस तरह से उसके अंदर यही बोल, उस बोल का जो रिदम है, या अली या अली या अली, वो उसके अंदर में ऐसा इसका रिदम होगा कि ये बोल एक संगीत के तौर पे चलेगा और उसको अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आएंगी, ऐसी ऐसी उसको ट्यून्स और संगीत मिलेगी कि वो आदमी ऐसा मस्त और खुश हो जाएगा कि ये चीज छोड़ने के लिए दिल दिन चाहता। ये चीजें सिर्फ बढ़ती जाती है और जिस तरह से कोई राजा आवे तो राजा की सवारी आने से पहले ऊंट के ऊपर या किसी गाड़े के ऊपर बहुत बड़ा ड्रम रख के वो ढोल बजाते हैं कि लोग इकट्ठे होंगे। फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं उससे पीछे दूसरी गाड़ी या पैदल आदमी होते हैं जो लोगों को लाइन में बनाते रहते हैं। लोग समझ जाते हैं राजा की सवारी आती है। उसके बाद थोड़ा घोड़े सवार आदमी आते हैं, पुलिस वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं। फिर कोई और ऐसा कोई लश्कर का एक छोटी सी टुकड़ी आती है। उसके बाद बैंड बाजा आता है। फिर कहीं जाके फ्लैग्स वगैरह आते हैं और उसके बाद राजा हाथी के ऊपर बैठा हुआ निकलता है। ऐसा ही मौला के आने की ये जो सवारी है नूर देखने की, पहले ये सब बातें उसको स्टेज दर स्टेज मिलती है। पसीना होता है, खुशी होती है, इबादत करने की इच्छा होती है, तलब होती है, उसको वो लाइन रोशनी दिखती है। आंखें खोले तो अंधेरा दिखता है, बंद करे तो उसको रोशनी दिखती है। और जो आदमी इस लाइन के ऊपर नहीं, यानी जैसे अभी इस वक्त दिन है, हम आंखें बंद करें तो अंधेरा होता है, खोलते हैं तो रोशनी होती है, मगर वहां सुबह उल्टा होता है। आंखें खोलते हैं तो अंधेरा है, बंद करते हैं तो रोशनी दिखती है। फिर उसके बाद उसको संगीत और ऐसी मधुर आवाज मिलती है कि जो शख्स को मस्त बना दे। फिर आगे चलते चलते ये चीजें और भी बड़ी हो जाती है। उसको रंग दिखते हैं अलग अलग, उन रंगों के अंदर जो लहरें आती हैं, ये इमेजिनेशन नहीं, ये रियलिटी है, सच सच की बात है। जुदी जुदी जात के रंग दिखते हैं और रंगों की जो मिक्सचर है वो इस टाइप की होती है कि आदमी को खुशी और इंटरेस्ट पैदा होता है। और दूसरी तरफ ये जो हमारी रोशनी है, ये रोशनी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है,
उसके अंदर कलर पैदा होते हैं, पहले हल्के कलर होते हैं, उसके बाद ये कलर फास्ट होते जाते हैं, यहाँ तक फास्ट होते हैं कि फिर सब कलर की जो मिक्सचर है वो ब्राइट हो जाती है, और उसके बाद फिर एक दिन मौला अपने नूर के बख्शिश देता है। ये स्टडी करने के लिए आप इस दिन सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले इस साइड से मुंह करके बैठ जाओ रात के अंधेरे में और स्टडी करो कि किस तरह सूरज निकलता। मौला ने बैतुल के फरमानों में ये चीज का जिक्र किया है। अब इसके अंदर किसी आदमी को 6 महीने भी निकल जाए, किसी को 10 बरस भी निकल जाए, उसकी मेहनत और हजर ईमान की बख्शिश और रहमत के ऊपर इस चीज का आधार है। ये रास्ता बहुत तरीका है, बोलने में पहला है, अमल करने में मुश्किल है, लेकिन मौला देता है, मेहनत करनी चाहिए। हमेशा ये बात उनके लिए खास तौर से जरूरी से जो बिगिनर रहे कि हमारी पीठ सीधी रहनी चाहिए। एक दफा आपकी गाड़ी पटे पे चली, रोशनी की स्टेज तक आ गए, फिर सारी जिंदगी वो चीज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तो फिर आप किसी भी हालत में बैठे होंगे, फिर आपको खास आसन जमाने की जरूरत नहीं रहेगी। आसन खास जमाना शुरुआत में जरूरी है, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको ABC याद करनी पड़ती है, उनको स्पेलिंग्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम ले लेता है फिर उसको वो स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से जो आदमी शुरुआत में इबादत जिनको अभी तक नहीं आई या करना चाहते हैं उनके लिए 3 बरस की कम से कम मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा एक आसन ढूंढ लेगा 20-25 मिनट तक आसन बदलाने में, क्योंकि 10-10 मिनट के बाद कभी उसने पांव बदलाने शुरू कर दिए तो जो दिमाग के अंदर इक्विलिब्रियम है हमारा हिलता रहता है हर वक्त, वो सेट होने के अंदर शरीर को बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल हिले बगैर रखना चाहिए, तो हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाए और कम से कम 20-25 मिनट तक बिल्कुल शरीर ऐसा हो जाए कि एक मृत बैठा है। ये इम्पोर्टेंट है ख्याल लगाने के लिए। घड़ी घड़ी कभी बखारिश हुई, कभी दरखारिश हुई, कभी खांसी हुई, वो आदमी को सेटिंग नहीं हो रही, बिल्कुल बुत की तरह हिले है बगैर, शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिले, जीभ भी नहीं और सांस भी नॉर्मल आस्ते आस्ते सांस चले, तो इतना ख्याल कंसंट्रेशन करे, अपने सांस को सुनने की ट्राई करे, अगर उसके सांस की आवाज खुद सुन सकता है तो उसकी बैठक बराबर नहीं। सांस सांसे एम आराधिये काने सुरत न जाए, तुम्हारे सांस की आवाज भी तुम्हें फील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बुद्ध की तरह बैठे 20-25 मिनट ऐसा बैठे, और कभी ये प्रैक्टिस 3-4 महीने 6 महीने तक करे तो जरूर उसको हासिल होगा, उसका इक्विलिब्रियम जो है मगज का वो सेट हो जाएगा, कभी गर्दन ऐसी कभी ऐसी बिल्कुल नहीं। आधे घंटे तक या कम से कम 20 मिनट तक उसको दिन के वक्त भी बोल के बगैर, बोल को याद नहीं करना, लेकिन बैठक की प्रैक्टिस दिन के वक्त कर सकते हो। इबादत नहीं करना खाली आसन को मारने के लिए, आसन मारो चिंता जारो अरे हूँ खुदी करो रसोई। हूँ खुदी का मतलब यह है कि अपने मन को मारो, पांव थक जाएंगे सहन करो थोड़ा, भले पीड़ा होती हो, भले उसका लहू सूख गया और पग सो जाते हैं मालूम है, लेकिन कभी आपने अपने मन को ऐसा काबू रख के आधे घंटे के बराबर बैठक करो, फिर उससे कुछ चीजें मिलेंगी, बदन को बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। हमारे मगज के अंदर ये जो आंखें हैं इसके पीछे, दो कानों में हम शरीर डालें तो इसके थोड़ा ऊपर नाक और आंखों की और हमारे कानों के सेंटर में
डेढ़ इंच जितना मकाम है, एक जगह है कि जो बिल्कुल खाली है, और वो एक डब्बे की तरह नहीं, लेकिन आप एक सीप लेके, सीप नहीं लेकिन ये जो गोकड़ गाय नहीं होती, क्या बोलते हैं इसको, स्नेल, स्नेल है, इसका शेल आप ऐसा काटो तो अंदर आपको ऐसा राउंड गोल 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 जाके सेंटर के अंदर उसकी छोटी खाली जगह मिलती है, तो नाक से ऊपर से ऐसा जाके इसी तरह से गोल गोल होके भंवर की तरह उधर एक जगह है, इसको कहते हैं भंवर गुफा, गुफा यानी केव, लेकिन गुफा सीधी होती है और ये ऐसी केव है कि भंवर की तरह है, ऐसा गोल है, तो सेंटर के अंदर वहाँ छोटी सी खाली जगह है, इतनी खाली जगह कि एक उसमें मूंग का या राई का दाना रख सको, इतनी जगह है, लेकिन ये सीधा नहीं है, ऐसा राउंड है, तो इसके लिए पीर ने कहा कि वो ऐसी जगह के जहाँ सुई मारक न पावे, यानी सुई को डालो, सुई तो सीधी है ना, सुई अंदर से जाके ऐसा गोल गोल नहीं फिर सकती, तो ऐसी जगह है पीर कहते हैं कि सुई मारक न पावे, वहां सुई नहीं जा सकती, लेकिन वान रथ सिंहासन राजा, हवा के रथ के ऊपर राजा जो है, ये राजा हमारा गोल है, वो सिंहासन पे बैठ के, यानी हमारी सुरती के सिंहासन पे बैठ के बिन पग आवे जावे, पाँव के बगैर आता जाता है, तो उस जगह के ऊपर आदमी का जब ये बोल के साथ तो रूह पहुंचे और हमारे श्वास की कैरिज के ऊपर बैठ के, तो उस वक्त इंसान को कल परसों परसों क्या होता है उसको पता लगता है, उसको भविष्य का पता लगता है, और उस आदमी को इल्म और नॉलेज मिलती है। अब ये इंगला राइट साइड, इंगला लेफ्ट साइड, दर 1:29 पे ये इंगला इंगला बदलते रहते हैं, और जब ये दो सुर बदलते हैं तो 2 मिनट तक हमारे दोनों नाक एक तरीके राइट लेफ्ट दोनों साथ चलते हैं, तो इसको कहते हैं सूक्ष्म नख, इंगला और पिंगला, मगर जब दोनों साथ चलते हैं तो ये सूक्ष्म नख होती है, सूक्ष्म नख यानी मन को आनंद देने वाली, अगर हमें ध्यान रहे दिन के वक्त भी, भले हम कामकाज करते हैं 5-15 मिनट के बाद देखते रहो कौन सी नाक चलती है, जब दोनों सुर एक साथ चले उस वक्त कभी आप मौला को याद करो, तस्बीह निकालो, बैतुल ख्याल तक बोल याद करो, 2 मिनट की बात है, इतना लुत्फ आएगा, ऐसा असर पड़ेगा कि सारा दिन हमको फिर क्रेविंग होगी, घड़ी देखेंगे 1.5 घंटे के बाद फिर ये वक्त आएगा, फिर कभी आपने 2 मिनट ध्यान सरा कर लगा लिया तो मत आएगा। तो इबादत के अंदर 1 घंटे में 1 दफा ये टाइम आता है, 1 घंटे में 1 दफा 2 मिनट आते हैं, तो मौला एक फरमान में इशारा करते हैं, बैतुल ख्याल की चौपड़ी में है कि 1 ध्यान की 10 मिनट की बंदगी, उस 10 मिनट में ये 2 मिनट आ जाते हैं, फरिश्तों की 40,000 बरस की बंदगी से भी ज्यादा है। तो उस वक्त जब ये दोनों सुर साथ चलते हैं और आदमी अपने श्वास को बहुत स्लो करे, बहुत स्लो करे और जोर से नहीं, इस तरह से सांस ले ले कि जैसे छोटी सी, जैसे हम नल खोले, थोड़ा सा खोले तो पतली सी धार निकलती हो, ऐसा श्वास लिया जाए पतली सी धार से, और कोशिश करे थिंकिंग से, विचार से, कि ये जो मेरे दो सुर हैं
ये ऊपर जाने, पहले दो दिन चार दिन आठ दिन कदाचित महीने दो महीने भी पता नहीं लगेगा, लेकिन फिर हमको सीढ़ी होती है, ये सुर बजाय नीचे आने से ये सांस ऊपर जाता है। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से सांस ऊपर जाते जाते भंवर गुफा में जाए, छह बारह महीने की प्रैक्टिस चाहिए। भंवर गुफा के अंदर जब सांस गया, पांच बरस में भी जावे पांच दिन में भी जावे, आदमी की प्रैक्टिस के ऊपर और उसके ख्याल के जोर के ऊपर सांस ले रहे, थोड़ा सा फेफड़े में जावे थोड़ा सा ऊपर जावे, तो भंवर गुफा में जब सांस पहुंचेगा उस आदमी को फिर आ जाएगी, उसको रोशनी मिलेगी कि कल क्या होगा, उसको ऐसी चीजों का पता चलेगा कि जो कल होने वाली है अपनी भी दूसरों की भी। अब वो चीज अगम निगम की बात करती है, लेकिन कभी हमको अपना भूतकाल देखना है कि कल क्या था, तो दीप श्वास ले ले और किसी तरह से अपने विचार से इच्छा से ऐसा समझे कि मेरा श्वास नीचे उतरता है, फेफड़े तक नहीं नीचे उतरता है। माँ के पेट में से जब हम पैदा होते हैं तो दाई हमारी नाल बांध के पेट के पास ऊपर से दो पार्टिंग छोड़ के तो काट देती है और ये नाल सूख के 15 दिन में निकल जाते हैं। माँ के पेट में हमको ये नाल जो डबल नाली है इसमें से खुराक और हवा मिलती है, तो नाभि से एक छोटी सी ट्यूब है जो हमारे फेफड़े में आती है, तो जब माँ श्वास लेती थी तो हमारी नाभि की ये जो ट्यूब निकल के आती है माँ के रहम में से वूम में से, तो हमारी नाभि में से होके ये छोटी ट्यूब है कुछ लगभग 3-4 इंच देखी, वो नीचे उतर के विंड पाइप में आती है और वहां से फेफड़े में जाती है, तो माँ के पेट में हमारे फेफड़े भी सांस लेते थे। अब जब हम पैदा हुए और हमारे फेफड़े बाहर की हवा लेने लगे तो वो नीचे की जो नाल दूती से लेके फेफड़े की विंड पाइप तक की है वो फिर बंद हो गई, अब उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि इधर की ओपनिंग नहीं है, तो ये जो पाइप है वो खाली पड़ी है ऐसा ही। प्राणायाम की तरह दीप श्वास लो और दीप लो और दीप लो, यहाँ तक के फेफड़े बिल्कुल फैल जाए और थोड़ा श्वास लो, जब तक के फेफड़े में जगह होगी हवा का प्रेशर वो नाली में नहीं जाएगा इतना, और फेफड़े फूलते नहीं है, जिस आदमी ने ये प्रैक्टिस नहीं की 100% उसके फेफड़े फूलते नहीं, लेकिन सीधे बैठ के और ये प्राणायाम का जो आसन है खासतौर पे वो इस तरह से है, ये कमर आसन है, यानी खास फेफड़े की बात करिए किस तरह से आप बैठो, दोनों पांव के तलवे ऊपर होने चाहिए, पेट जमीन के ऊपर, पेट खाली होने भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हाथ को ये दो उंगलियां ऐसा मिला के इस तरह से बैठो, ये जरूरी है कनेक्शन जोड़ने के लिए, हमारा जो प्राण है सारे बदन में घूमता है, उंगलियों पे आके प्राण ठहर जाए, इसलिए एक उंगली को ऐसा मिला के रखो तो प्राण इसमें से वापस ऐसा आ सके, फिर बैठो और उस वक्त गर्दन को भी ऊंचा सीधा रखो, पहले किसी दीवार के साथ ऐसा बैठ के देख लो कि मेरे गर्दन की पोजीशन क्या रहती है, ये गर्दन भी पीठ दीवार के साथ सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल और दीप श्वास लो जितने ले सकते हो, ये आसन बहुत जरूरी है, इस आसन के बगैर आप कोई और आसन करोगे तो काम नहीं आएगा, फिर आप खूब सांस लो, यहाँ पर लग के 2-4-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद और ध्यान वो यही लगाना कि मेरा सांस नीचे जावे, फिर एक दिन ये सांस नीचे उतरेगा, ये जब नीचे उतरेगा तो नाभि तरफ जो सांस पहुंचेगा ना तो आपको एक ठंडी लहर निकलेगी, ठंडक की एक लहर निकलेगी, जरा सी ऐसा कंपारी जैसा हो जाएगा,
आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर सबर करके फिर बैठो, दूसरे दिन बैठो, और जब तक ये सांस नीचे पहुंचे और आपको फील हो कि अब मेरे को ठंडक फील होती लेकिन वो कंपारी नहीं आती, तो और समझ लो, सांस लेके थोड़ा रोको। शुरू में तकलीफ की बात है, लेकिन रोज की प्रैक्टिस से ये सांस नाभि से निकल के नाभि के बिल्कुल ऑपोजिट पीछे एक छोटा सा कमल है, जिसको कमल चित्त थोर रखो। ये कमल का जिक्र हमारे ज्ञानों में बहुत है। ये कमल की तरह है, सोलर प्लेक्सस कहते हैं इंग्लिश में, हमारी बायोलॉजी के हिसाब से ये एक फूल है। फूल की तरह उसके अंदर से पत्तियां निकलती हैं गोश्त की, उसके सेंटर में नर्वस सिस्टम है, और हमारी नाभि से जिस तरह से नाभि से एक नली ऊपर फेफड़े में आती है, ऐसा नाभि से एक नली हमारे इधर यही कमल के अंदर आती है, और कमल के अंदर आके हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हमने रीढ़ की हड्डी कहते हैं, पीछे की जो हड्डी है, इसको वंकनाड़ कहते हैं किनानों के शब्दों में, तो ये वंकनाड़ से ऊपर चढ़ती है और इधर होके हमारे कान के पीछे यहाँ तक आती है और फिर फैल जाती है, जैसे जड़ें फैलती हैं। अगर एयर इधर से निकल के ऊपर जावे तो यहाँ पहुंच के सारा जूना रिकॉर्ड, जो कुछ भी हमारे गए जन्म का है, उसके भी पहले जन्म का, उसके भी पहले जन्म का, ऐसा लाखों बरस की सारी रिकॉर्डिंग इधर पीछे पड़ी हुई है। आगे की रिकॉर्डिंग भविष्य की यहाँ है, जो भंवर गुफा में है, और पीछे की रिकॉर्डिंग इधर पीछे पड़ी है। तो हमारा ये प्रेशर और ये एयर नाभि से निकल के कमल पे आ गए तो हमको कमल पे इधर पीछे सेंसेशन फील होगी, और वहां भी ठंडक फील होगी, जैसे कोई आदमी मिंट खावे तो उसके श्वास में फेफड़े तक ठंडक जाती है, श्वास ले रहे तो अंदर ठंडक पहुंचती है, जोर से सांस ले रहे तो मिंट का स्वाद के कारण से ठंडक हो जाती है, ऐसा ही हमको ठंडक फील होगी इधर। तो समझना कि यहाँ तक एयर आई है, हवा सांस के जरिए से आया, और फिर कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस चालू रहे तो ये श्वास ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, जब यहाँ आएगा तो हमको फिर पुराने रिकॉर्डिंग का सारा पता चलेगा, मैं एक बरस का था तभी क्या था, माँ के पेट में क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, जितना रिकॉर्डिंग कोशिश करते जाओ, फाइलें निकालते जाओ, आपको सारा पास्ट रिकॉर्ड सब कुछ मिलेगा, अंदर पिक्चर्स भी पड़ी है उसकी, फोटो कैमरा और फिल्म की सारी पिक्चर्स पड़ी है, आप अपना देख सकोगे कि गए जन्म में मैं यहाँ था, यहाँ था, ये किया, ये बुरा किया, ये अच्छा किया, ये मेरे संगे कुटुंबी, आज सारी फिल्म के तौर पे आपके सामने चितार आ जाएगा। ये पास्ट की चीज है, वो प्रेजेंट की चीज है, जिसके अंदर आपको खुशी और सुख मिले, और भ्रमण गुफा फ्यूचर की इबादत के रास्ते है। अब इस तरह खुली बातें जमा खाने में नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो जिस ध्यान से आपने सुना सारी जमात एक शरीर की नहीं सुन सकती, दूसरा जमात के अंदर बच्चे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके जीव अच्छे नहीं भी होते, तो उन सब का हिसाब इकट्ठा करके देखो तो ये चीजें ऐसी ही प्राइवेट गैदरिंग में हो सकती है कि जहाँ आदमियों को सब कुछ बताया जा सके। मेरा बहुत दिनों से दिल था, गुलबानो भाई के साथ ही मेरी बात हुई, मैं बोला किसी दिन इंशाल्लाह बैठेंगे तो ये सब तरीके बयान करेंगे, ये जो रिकॉर्डिंग है ये बहुत खास तौर पे रहे, आम किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। कभी कोई सवाल करने तो करो, लेकिन तू समझी बेटा सब कुछ, ना इसकी कोई बात नहीं, अपने घर में एक ही जगह बैठना जरूरी है, मौला के घर में ये तख्ती सब नहीं कर सकते, लेकिन
अपने घर में कभी हम एक खास जगह रख लेने कि जहाँ बच्चे नहीं आवे, जहाँ कोई भूत ना आवे, कभी कोई खराब मेहमान ना आवे। तुम्हें मतलब मेहमानों के अंदर मोमन भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं, नीच जीव वाले लोग भी हमारे घरों में आते हैं। तो घर में एक ऐसी कोना, कोई ऐसी चीज रख लेनी चाहिए कि वो इसी काम के लिए रिजर्व हो, लेके वहाँ बैठ के इबादत करो, बंदगी करो। निश्चित सर, आपने 4 बजे जो आवाज की थी, 3 से 4 उसमें आपने कहा था कि जो 4 बजे की अहमियत क्या है, क्यों हाजिर ने कहा था हर जगह मतलब 4 बजे ही बात करते हैं। हाँ। फिर कुछ छोड़ दिया, टाइम भी खत्म हो गया। बहुत अच्छा सवाल है ये, और मुझको नेक्स्ट टाइम कभी बैतूल ख्याल की वार्ड मेरी होने वाली हो गई तो मुझको पहले से जरा याद कराना, तो दिमाग को भी मैं बोलूँ। बात ऐसी है कि जब इस सूरज शाम को डूबता है तो ये 1000 माइल इधर 1000 माइल के रेडियस में चक्कर में सारे लोग जानते होते हैं। मानो कि 1 लाख आदमी है और 1 लाख आदमियों में अच्छे बुरे नीच ऊंच रूहानी हिसाब से सब होते हैं, जानवर भी हैं। उन सब के सांस, मोटरें वगैरह, उनकी वाइब्रेशन, उनका धुआं, गाड़ियां हैं उनकी वाइब्रेशन, और फैक्ट्रिया उनकी वाइब्रेशन, ये सारी इस एयर में, फिजा के अंदर, एटमोसफियर में होती है। हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं है कि इन चीजों को फील करें, मगर जो आबिद होते हैं वो इन चीजों को फील करते हैं। और जहाँ बहुत शोर और नॉइज होती है, इबादत वाले को मजा नहीं आता वहां के दिमाग से, क्योंकि उसका दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये चीजें हथौड़े की तरह लगती हैं। तो रात को जब शाम होती है और सूरज डूबने लगता है, तो उसके बाद देखो जानवर सो जाते हैं और झाड़ वनस्पति वो भी सो जाती है, क्योंकि वनस्पति झाड़ों के अंदर से भी एयर निकलती है, ऑक्सीजन गैस जिनको निकलती है, और कार्बन ऑक्साइड जो है वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। शाम को ये किस्सा ऊंधा हो जाता है, वो लोग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी वो भी सो जाते हैं। थोड़ा और वक्त निकल गया तो बच्चे सो जाते हैं, बीमार सो जाते हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं। थोड़ा और टाइम निकल जावे तो 10 बजे तक 75% बस्ती आबादी 1000 माइल के रेडियस में सो जाती है, लेकिन 20-25% लोग 12 बजे तक 1 बजे तक जागते हैं, उनकी भी वाइब्रेशन उसमें होती है। 4 बजे का ऐसा टाइम है कि सब लोग सो जाते हैं, शांति हो जाती है, एटमॉस्फेयर क्लियर होता है। यहाँ तक के कुत्ते और चौकीदार भी 4 बजे के करीब सो जाते हैं। अच्छा, ये तो इस पृथ्वी की दुनिया की बात हुई। अब आसमान की बात यह है कि दिन के वक्त रूहें, रूहानियां नीचे नहीं आती, क्योंकि सूरज की किरणें उनको सुइयों की तरह लगती हैं। लाइट में किरणों के अंदर रूहानियां नीचे नहीं उतरती, सिवा के जो फरिश्ते होते हैं और पावरफुल रूहानियां होती हैं, वही दिन के वक्त पृथ्वी के नजदीक आते हैं। तो वो रूहानियां के जो उनसे नीचे दर्जे की हैं, और ऐसी रूहानियां के दुनिया में से पसार होकर गई हुई हैं और हमारे घरों में विजिट करती हैं, वो दिन के वक्त नहीं आ सकते, उनको सख्त तकलीफ होती है। रात होती है ना, तो वो रूहानियां विजिट करती हैं, नीचे आती हैं। दूसरी बात यह है कि दिन के वक्त सूरज की जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी से लेकर ऊपर 300-350 माइल तक 7-8 लेयर में तबके हैं, और यही 7 आसमान है, आखिरी चीज उसके पीछे है। तो ये जो लेयर हैं, तबके हैं, इनके अंदर से जो अमुक गैसेस हैं वो जल जाती हैं सूरज की रोशनी के कारण से, और कॉस्मोस यानी 350 माइल के ऊपर जमीन की पृथ्वी का जो एटमोस्फियर खलास होता है, उसके ऊपर से जो कॉस्मिक रेज है
जिनको हम नूरानी किरणें कहते हैं, वो नीचे रात ही को उतर सकती है, क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण से वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अच्छा, 6-7 बजे जब सूरज नीचे जाता है, हमको सूरज नहीं दिखता, लेकिन 350 माइल 400 माइल ऊपर जाके देखो कि सूरज दिखता है, क्योंकि अभी तक सूरज नीचे नहीं गया। तो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे जब सूरज चले जाता है, तो लगभग 12 बजे के पीछे ये हालत उतरती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल अपोजिट होता है उस वक्त। तब ये जो कॉस्मिक रेज है, नूरानी जो किरणें हैं, वो जमीन पे आती है, यानी 12 बजे के बाद रूहानी टाइम शुरू होता है। मौलाना अली शाह के एक फरमान में है, आधी रात को एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरता है और वो पुकार करता है, कोई ऐसा कि उसके गुनाह के बदले में मैं उसको नेकियां और सुख और सवाब दिलाऊं। तो आधी रात के बाद आसमान से जो कॉस्मिक रेज उतरती है, वो डायरेक्टली आदमी के मन के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है। इसलिए जो आदमी पहले सो जावे और रात को उठ के इबादत करे, उसको बहुत फायदा मिलता है। अब ये जो रेज 12 बजे के पीछे शुरू तो होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है और नीचे ये इकट्ठी नहीं होती। जैसे जैसे टाइम जाता है, तैसे तैसे ये रूहानी किरणें बढ़ती जाती है, तो लगभग 2-3 बजे के आखिरे में इसका जोर नीचे बहुत होता है, पावरफुल होता है। अब पहले तो इमाम ने हमें 3 घंटे की बंदगी दी थी कि 2 बजे से 5 बजे तक बंदगी करो। अब हम लोग वीक हो गए हैं, 1 घंटा भी हम बैठ नहीं सकते हैं। तो इमाम ने आखिरी छेला जो वक्त था वो 1 कलाक उसमें से निकाला और कहा कि तुम 4 और 5 बजे के बीच में बंदगी करो, क्योंकि बहुत सी जगहों के ऊपर 5 बजे से सूरज निकल आता है या रोशनी हो जाती है, तो कॉस्मिक रेज कम होती है। तो 4 और 5 का या 2 और 5 के बीच का जो वक्त है, ये ऐसा वक्त है कि आसमान से कॉस्मिक रेज नीचे आती है, यानी रूहानी किरणें, और रूहें नीचे होती हैं। दूसरी तीसरी बात यह है कि जमीन के ऊपर 1000 माइल इधर उधर शांति और ठंडक होती है, इसलिए हमारे इबादत करने के जो तरीके हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है और सहलाई से हम इबादत में आगे जा सकते हैं, हमें मगज की मेहनत कम पड़ती है। इसलिए ये सुबह का 4-5 का मौला मिलता ही रहता है कि आदमी बिल्कुल मस्त हो जाता है, उसको नशा चढ़ता है। और ये चीज नींद की बात नहीं, लेकिन उस आदमी को उसको बड़ी पसंद आती है, ये भी एक अच्छी निशानी है। ये भी एक अच्छी निशानी है, अच्छी निशानी है, और ये बिल्कुल सुन हो जाता है आदमी। अच्छा मिश्रा सर, आपने जो कहा कि जो दिन के टाइम पर रूहानियाँ नहीं उतरती है क्योंकि उसको सूर्य की तरह चुभती है, चुभता है क्या वो प्रकाश ने? अच्छा, तो ये रूहानी क्यों उतरती है ऊपर से, रात के टाइम पर उतरती क्यों है? दिन के वक्त जो पावरफुल रूहानियाँ और फरिश्ते हैं वो उतर सकते हैं, लेकिन आम रूहानियाँ नहीं उतर सकती। अच्छा, रात के वक्त वो उतरते हैं इसलिए कि एक तो ये कि पृथ्वी की दूसरी साइड में रोशनी होती है तो उनको इधर आना पड़ता है। दूसरी साइड में रोशनी होती है, रात हो गए तो दूसरी साइड में रोशनी है ना, तो रूहानी ऐसा फिर के इधर आती है। दूसरी बात यह है कि जो जमीन के लोग जब खुदा की इबादत करते हैं तो ये रूहानियाँ उनका दीदार करने के लिए आती हैं। कि कैसे नसीबदार हो हमारे मौला की तुम इबादत करते हो, गिनानों में इसका इशारा है, तेने दीदार दीजिए तेने दीदार, यानी रूहानियाँ भी हमारा दीदार करने के लिए आती है। वो उनके आने से हमें कोई फायदा होता है? हाँ हाँ, जरूर फायदा होता है, क्योंकि रूहानियों के आने से हमारा आजू बाजू का जो वातावरण है खुशबू वाला ऐसा हो जाता है। कभी कभी कोई कारण के बगैर तो तुम्हें बात आएगी धूप की, या कभी कोई असर की ऐसी खुशबू आती है, बस क्योंकि कोई रूहानी हमारे नजदीक है, हम उसको देख नहीं सकते, यानी ऐसा वक्त आता है कि फिर हम उनको पहचान जाते हैं।
अच्छा बेटा, रात को रूहानी और ख्वाब में भी आती है, क्योंकि हम रात को सो होते हैं और तो रूहानी हमारे पास आवे तो उसी वक्त हमारा जो मन है उनको फील करता है, तो हमें ख्वाब आता है अपना। कोई अभी ये बात ऐसी है कि तुम्हारा कितना संबंध है उसके हिसाब से और वक्त क्या है, तो उस वक्त ऐसी बात बन गई है। लेकिन बाज दफा आदमी के ख्याल में भी होता है और वो चीज़ 2 बजे से पहले आती है। रूहानियाँ हमेशा रात को 2 बजे के बाद जो सपने और ख्वाबों में, उनमें रूहानियाँ ज्यादा होती हैं।
ऐसा होता है जाते हो ऐसा होता है हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम अधर उड़ते हैं अच्छा होता है नहीं जाते जाते चले जाते वो जाता है यही जो एक्सेलेरेशन है कि हमारा रूह बाहर निकलता है इस चीज को रूह बाहर निकलता है मिस्टर साहब क्या जो रूह बाहर निकलता है तो मतलब जो हमारे जिस्म के अंदर जो कनेक्शन है खत्म हो जाता है इसका कनेक्शन चालू है उसके साथ रहता है ना जीव तो अंदर रहता है और रूह अगर बाहर निकले तो एक डोरी की तरह हमारे बॉडी के साथ वो चीज एक्सटर्नल कॉर्ड उसके साथ जाता है मतलब बिल्कुल बाहर जितने भी वो कभी करोड़ों मील चले जा रहे तो भी एक कनेक्शन रहता है उसके साथ यहाँ तक कि आप पीछा करके कभी आपको बहुत अच्छी ऐसी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप पीछा करके यहाँ से दिल्ली यहाँ से लंदन यहाँ से न्यूयॉर्क जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हैं और देख सकते हैं पीछा करके इसलिए कि उसको यकायक आंख खुल गई और उसको इतना टाइम न मिला के वापस बदन में आ रहे मगर फिर आ जाता है एक सेकंड पलट की बात होती है उसकी फीलिंग होती है नहीं डरना नहीं चाहिए ये एक बच्चे की तरह है कि जिसको अभी तक चलना नहीं आता और माँ हाथ पकड़ के चलाती है उसको सेंटर में खड़ा कर दो अकेला तो उंगली छोड़ना नहीं चाहता उसे ऐसा लगता है नदी गिर जाएगा तो इसके लिए वो डरता है अदर हो जाती है अपनी बॉडी नहीं जाती मगर अपनी जो रूहानी बॉडी है वो तो बाहर जाती है ना पीछे से एकदम सितारे कलर कलर के सितारे रॉकेट के अंदर से जांच करे हुए बड़ा चांद है चांद के अंदर सितारे सब डरे कलर के इतना वो पावरफुल डरे कलर से सबको जुदा जुदा एक्सपीरियंस होता है ऐसा लाजिम नहीं है कि ये सितारे या ये चीज हर एक को दिखती है हर एक का अनुभव एक्सपीरियंस जुड़ा होता है खुदा सबको जिस रस्ते से लेके जावे हजारों रस्ते है ना कोई रूहानी आपको ये रस्ते से ले जावे तो ये रस्ते में जुड़ी चीजें हैं कभी आप ये रस्ते से जाओ तो ये रस्ते में जुड़ी चीजें हैं सबके एक्सपीरियंस जुड़े हैं एक को जो होता है वही दूसरे को हो गए तो लाजिम नहीं लेकिन जो जो फिर ऐसा बाहर की एक्सप्रेस ट्रेवलिंग करते हैं तो वो हर रोज फिर बाहर निकल के घूमते हैं खुदा की खुदाई के वो हालात और उसकी उसकी नज़ारे देखते हैं रूहानियों से मुलाकातें होती हैं फरिश्तों की मुलाकातें होती हैं उसका संबंध फिर ऊपर ज्यादा होता है नीचे कम होता है दिन के वक्त उसका बदन भले जमीन पे होता है मगर वो रहता है ऊपर ऊपर रहता है कब तक उसको भी 12 बजे के पीछे जो पत्थरों के अंदर घूमता है वो ऐसा मैंने बोला ना कि हर एक आदमी का अनुभव जुदा है तो पहाड़ के अंदर से घूमते 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 पहाड़ सब जगह अभी आप कभी मुसाफरी करो तो रास्ते में पहाड़ नहीं आएंगे तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पहाड़ क्यों है क्योंकि खुदा ने बनाए हैं कभी जंगल आएगा कभी पहाड़ आएंगे कभी ऐसा हरा हरी जनावर भी आते हैं हरी दरिया मुसाफरी में सब चीजें आ रही सब चीजें आ रही मोटर का सफर करो और डेजर्ट में से निकलो और रेती के रंग में से तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहे रेती रेती नजर आ रहे धूल नजर आ रहे और आप समुद्र के रास्ते से मुसाफरी करो तो आपको पानी मिले मछलियाँ मिले तो जिस टाइप की मुसाफरी जिस रास्ते से आप करो ऐसा आपको अनुभव मिले जो कुछ अनुभव हाँ जो सफर करने वाले हैं उनको तुम बोल सकते हो लेकिन सबको नहीं
कोई संत मिले सुधीर, समझी नहीं है। सुधीर संत के साथ बात करो, गुनेगार पापी के साथ नहीं। ठीक है, चालू रखो, उसमें से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आगे जाओ जरा, मुसाफरी चालू रखो। और मैंने बोला ना कि इसमें कोई वक्त नहीं है, खुदा की रहमत बहुत मांगो। अच्छा, अब मैं एक और चीज कहूँ जो हमें इन चीजों में हेल्पफुल हो गए। जैसे कि एक आदमी मुसाफरी करे तो उसको अपना सारा सामान बांधना पड़ता है कि मुझे सफर में क्या चीज चाहिए। मैं तो बहुत मुसाफरी करता हूँ तो मेरी एक पेटी तो बिल्कुल अलग, हमेशा कपड़ों की भरी हुई सब चीजों की पड़ी रहती है। मैं एक घंटे के नोटिस में पेटी उठाई और चला गया। लेकिन जिन लोगों ने मुसाफरियां नहीं की तो वो सफर के ऊपर बहुत सी चीजें भूल जाते हैं लेनी, सार कभी कंघी रह गई, आईना रह गया, गाड़ी का सामान रह गया, टॉवल लेना भूल गए, मोजे लेना भूल गए, ऐसी जरूरत की चीजें आदमी भूल जाता है। अब ये मुसाफरी के अंदर हमें काम आवे ऐसी चीजें, एक तो खैरात, खैरात हम बहुत काम, दान पुण्य बहुत कम, और दान सुपात्र दान। दान का ये मतलब नहीं है कि जो ये भिखारी जमीन के ऊपर फिरते हैं आप इनको दो पैसे दे दो तो आप समझो कि चलो मैंने दान किया, ये कोई दान नहीं है। ये तो उल्टा आप खराब करते हो, ये सोसाइटी के लिए बुरी चीज है। कोई अच्छा मोमन है आप उसको किसी दिन घर ले आओ, चापानी पी लो, मौला का जो आशिक है उसको आपने खिलाया पिलाया, ये दान खैरात है। और उसके आने से, कदम घर में पड़ने से, और वो हमारे घर पे कुछ खाए पिए। दूसरी ये बात है, हर एक जीव के साथ, काफर मोमन सब के साथ, बच्चे ने जन्म लिया तो दो फरिश्ते उसके साथ हमेशा होते हैं। ऐसा भी नहीं कहेगी, बकरी को कोई एहसास नहीं, या गाय हो या घोड़ा हो, जानवर को गलती का कोई एहसास नहीं। इंसानों में भी वो आदमी, वो इंसान, औरत हो के मर्द हो, बूढ़ा हो के बच्चा हो, या जवान हो, कोई भी हो, जिसमें एहसास से पशेमानी नहीं, वो जानवर की हालत में है, उसमें इंसानियत कम है। एहसास पशेमानी, अपनी गलती का एहसास इंसान को बख्शा है खुदा ने, और यही चीज इबादत में शामिल है। हम अपने गुनाहों की पशेमानी के लिए ही खुदा के पास रोते हैं और अज्जो लेकर हसारी के साथ कहते हैं, या मौला तू रहमान पाक परवरदिगार है, मैं गुनाहगार हूँ। एहसास पशेमानी है, इसलिए एहसास पशेमानी के तौर पे हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वा तूबू अलैह। और ये तस्वीर निकालने से इंसान का बातुन हिसास होता है, हिसास का मतलब सेंसिटिव होता है और इबादत में आगे बढ़ता है, इबादत में उसे मजा आता है, गुनाह घट जाते हैं, गलतियां कम हो जाती हैं। अपने कैरेक्टर को, आमाल को दुरुस्त करने के लिए, अपने सुलूक और स्वभाव को दुरुस्त करने के लिए ये तस्वीर बहुत अच्छी और बड़ी जरूरी है। मौलाना मुस्तफा मुश्किल पूछा फरमाते हैं कि हर दम पे दो दफा शुक्राने करो और अपने गुनाह की माफी मांगो, ये दो चीजें इबादत, दो चीजें। एक तो अस्तग़फ़ार गुनाहों की मुआफी मांगना और दूसरा अल्लाह का शुक्र करना। रसूल की हदीस में भी यही चीज है कि दो चीजें इबादत की जान है, एक खुदा से तौबा मांगो, दूसरा खुदा का शुक्राना करो। और तौबा एहसास पशेमानी में आता है, इंसान जब पछतावा करता है
खुदा उसे मुआफ कर देता है। तो अस्तगफरुल्लाह की तस्बीह निकालने के बाद अगर किसी शख्स को इज्जत या उसको बड़ाई चाहिए कि जिल्लत में से निकल जाए, अगर वो पक्की में से निकल के बुलंदी पे जाना चाहता है, खा वो दुनिया की चीज हो या उसको रूहानी आलम में बुलंदी चाहिए अपनी इबादत में, तो वो कहे या रब्बी दरजात, ऐ दरजात को बढ़ाने वाले, मैं भी तेरे पास कदमों में आया हूँ, मेरे गुनाह मुआफ कर, मैं तौबा करता हूँ, मेरे दर्जे को बढ़ा। आदमी को रूहानी तरक्की मिलती है और दुआ कबूल करने के लिए उसको थोड़ा सा अज़्ज़ के साथ, बड़ाई के साथ बड़ा करो, उसकी ग्लोरिफिकेशन करो। या मुजीब उद्दुआ, दुआओं को कबूल करने वाले, या मुजीब उद्दुआ, दुआ का जमा है या मुजीब उद्दुआ। ये तकनियां बहुत आला है, या रफी उद्दरजात, या मुजीब उद्दुआ, या काजी उल हाजात, और अपने हामी के लिए, रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, और हमें नेकियों की तरफ ले जाए, बदियों से बच जाए, कहो या वली अल हसनात, नेकियों के वाली, या वली अल हसनात। तो इंसान को नेक तौफीक मिलती है। ये तस्वीरें न सिर्फ हम अपने लिए बल्कि अपने बाल बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए भी निकाल सकते हैं, और इन तस्वीरों के और आज और वजीफों के असर से खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। दीन बिल्कुल सच्चा है, पाक है, आला है, अली नबी का रास्ता है, अली नबी के कदम हमारे सिर के पास है। मगर वो लोग के जो दीन को समझते नहीं और दीन में शक करते हैं, तो पीर ने कहा वो लोग खोट में रहेंगे, उन्हीं को नुकसान है। तो जो दीन को खोटा समझते हैं, होते खोटा में खोट, सतपंथ खाचा पर रिखी सर खोटा। मजहब खराब नहीं, लेकिन इस मजहब को हम जानते नहीं, हमने अपने मजहब का मेवा खाया नहीं। कोई कब्रों पे जाता है, कोई कुर्बत पे जाता है, कोई मुल्ला के पास जाता है, कोई साधु के पास, कोई पंडित के पास, कोई मिशनरी के पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाहर, कुछ नहीं। वो मजदूर लोग हैं, आओ सेठ के पास से जहाँ बहुत कुछ मिलेगा, बख्शिश से नवाजे जाओगे, दिल की दौलत मिलेगी, दुनिया की दौलत मिलेगी, औलाद मिलेगी, हर शय मिलेगी। कौन सी चीज चाहिए? अरे गैरों ने भी इस मौला के घर की खोटा चीनियां की हैं। हजरत मौलाना हाजर इमाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि नवे नवे हमारे इमामत की मस्जिद से गए थे, यानी महज एक बरस भी नहीं हुआ था, सरकार ने अफ्रीका का दौरा लगाया। मटवारा नाम की एक जगह है, यहाँ थोड़ी छोटी जमात है, यानी थोड़े लोग हैं जमात में, उन्होंने काफी बंदोबस्त किया। और एक जगह रात के वक्त दूसरे लोग भी हमारे मौला को देखें, तो एक रिसेप्शन बनाई गई। गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर थे और तमाम कौमों के बड़े बड़े लोग थे। एक सिख आदमी था, अपनी औरत को वो भी लेके आया, और उसकी औरत का हाथ बंधा हुआ था, प्लास्टर लगा था। मौलाना हाजर इमाम जब जमात खाने से आए यहाँ इस रिसेप्शन में, तो सबको सरकार मिले,
कोका कोला का गिलास हाथ में लेके मौला मेहमानों की अंदर 300-350 मेहमान थे। अपने इस्माइलियों में सब थोड़े आदमी थे, सिर्फ बड़े बाकी सब घर कौन से शख्स थे। सरकार फिर से रहे, वो आया। ये जो सिख जोड़ा था इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं और इस इंतजार में थे कि किसी तरह ये मौका मिल सके और आखिर इनको जो ईंदा या बींदा जो सुजू थी खुदा ने दिया चांद मौला इनके नजदीक से निकले ये लोग सामने आके जुट के सलाम कर लिया। मौला ठहर गए, उस सिख ने हाथ जोड़ा, कहता नामदार आप इस्माइलियों के इमाम हो, उनके ऊपर रहमतें करते हो, उनकी मुश्किलें दफा होती हैं, उनके लिए दुआएं करते हो, उनको आबादी मिलती है, मैं भी आपका मुरीद हूं, हालांकि मुरीद नहीं लेकिन एहसासात के अंदर आके मैं भी आपका मुरीद हूं, मेरे लिए भी दुआ करो। साहब मुस्कुराए, क्या है? कहते सरकार मेरी औरत का हाथ अच्छा नहीं होता, बहुत से डॉक्टर दिखा, किसी डॉक्टर को बताओ। माँ बाप कहने लगे, वो मायूस होने लगा। कहते नामदार बहुत से डॉक्टर दिखाए, आप अपना हाथ गिरा दो। मौला ने अपना हाथ फिराया, कहा देखो डॉक्टर के पास जरूर जाना, मैं दुआ करता हूं अच्छा हो जाए। तो अब जाने लगे तो कहते साहब मेरे घर औलाद नहीं, 14-15 साल हो गए। साहब हंस पड़े, तो फिर मैं क्या करूं? कहते दुआ करो, इस्माइलियों को आप औलाद की बख्शिश देते हो। उसकी औरत रोने लगी, इमाम की रहमत की वजह से एक कमजोरी है, मैं खाली कमजोरी कहूं तो बेअदबी होती है, लेकिन रहमत की वजह से इमाम की एक कमजोरी है और वो चाबी है उसकी रहमत की। चाहे इसी भी हालत हो, कभी रो पड़ोगे, चाहे वो मगरमच्छ के आंसू भी होंगे तो भी उसकी रहमत उतरेगी। वो रोना नहीं देख सकता, उसके हुजूर में जाके अगर कोई रो पड़ा तो उसकी रहमत में हिसाब हो जाती है, और गुना बख्शे जाते हैं, वो नजरअंदाज कर देता है। उसकी औरत के जब आंसू निकलने लगे माँ बाप बेचैन हो गए। ये इस मौला की एक कमजोरी है और वो कमजोरी रहमत की वजह से, क्योंकि वो रहमत है। माँ बाप ने कोका कोला का गिलास इस हाथ से उधर इधर से उधर के एक दो दफा पलटाया। अगर खुद का मुहावी बच्चा होता तो फौरन उसके लिए सब कुछ करता, इतनी करने की जरूरत भी नहीं थी। फिर भी मौला ने कहा देखो तुम रो मत, तुम किसी अच्छे लेडी डॉक्टर को बताओ। कहते आप हमको दुआ करो। फिर साहब ने दुआ की, वो झुकी, मौला ने हाथ रखा। उसका यकीन था हाथ भी अच्छा हो गया, उसके घर औलाद भी हुई। ये जो घराना है हाजी नबी का, ये अल्लाह का घराना है, अल्लाह का घराना, और ये हकीकत है, ये नूरानी चीज है। मगर यहां आके उनको मिलता
ہوتا ہے کہ جو اس کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں اور عجز و عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ان کو سب کچھ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ جمع کھانے ہر روز آؤ، کون سی چیز چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ آسمان سے چھپر پھاڑ کے ایسی کرامت نہیں ہوئے گی، مگر اس نے طریقے بتائے ہیں۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ تھے، ان کے حضور میں ایک پنجابی اسماعیلی نے عرض رکھی، کہتے خداوند بہت محنت کرتا ہوں، بہت سے بال بچے ہیں، پورا نہیں ہوتا، 18 گھنٹے دکان سے بیٹھتا ہوں، کام کرتا ہوں، روٹی آگے میں پیچھے، پورا نہیں ہوتا۔ جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتا نہیں جا سکتا خداوند، کیونکہ شام کے وقت زیادہ ذرا بے پار ہوتا ہے۔ رسم دیتے ہو؟ کہتا سرکار پورا نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا تھوڑا ضرور دیتا ہوں۔ دعا پڑھتے ہو؟ خداوند کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک اپنی گردن مبارک پہ رکھ کے چائی اور کمیز ایسا پکڑ کے زور سے مولانا کو کہتے ہیں، روز جماعت کرنے جاؤ، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، رسم مارے واجب برابر ہو، پھر بھی جب تم آسودہ نہیں ہو تو ہم کو گردن سے پکڑو، بلاؤ کسی بڑے آدمی کو، ایسا چیلنج کرنے والا کوئی ملے گا؟ آؤ، اس چیلنج کو کوئی قبول کرنے والا ہے؟ روز جماعت خانے آؤ، مال واجب برابر دو، 3 وقت کی دعاؤں پڑھو۔ مولا خود کہتے ہیں کہ اگر تم آسودہ نہیں بنو مجھے گردن سے پکڑو۔ آج تک ایسا چیلنج کسی ملا مولوی نے کیا؟ کسی پیر فقیر نے کیا؟ یہ کرتا ہے، اور اس چیلنج کو آزما کے دیکھ لو، اگر جماعت خانے میں آنے سے برکت نہ ہو، دعا کرنے سے برکت نہ ہو، دسمن دینے سے برکت نہ ہو، تو مولا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو کہ تو جھوٹا ہے۔ پر تک دیکھ لو، ہمارا دین کھلا ہے،
रूहानी दीन है, नूरानी दीन है। ये वो रास्ता है कि जिस रास्ते पे जाओ कि कभी कोई न मुसीबत में फंसा न मुश्किल में फंसा। लेकिन जो दवा बताई गई कभी न पियो और बीमारी न जाए तो तबीब क्या करे, डॉक्टर क्या करे। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद क्या फरमाते हैं, मैं घोड़े पर बैठ के घोड़े को लेके पानी के ऊपर ले आता हूँ बल्कि पानी के अंदर खड़ा कर देता हूँ। अब भी घोड़ा अगर पानी ना पिए तो मैं क्या करूँ, मैं तो घोड़े चले आया, मैंने तो सब कुछ तुमको दिया। हमारा मजहब जो है वो खुले तौर से कहता है कि ये वो मजहब है कि जो नबियों का मजहब है, ये रसूलों का दीन है। दीन इस्लाम मजहब इस्माइली का नाम है। दीन इस्लाम हकीकत में इस्माइली मजहब है, इस्माइली मजहब हकीकत में दीन इस्लाम है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमारी हर शय रसूल से निकली है, नबियों से आई है। इसलिए आओ इस दीन के ऊपर अमल करके देखो, न मिले तो फिर देखना। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 1938 में पंजाब में आए, बहुत वर्षों के बाद 1911 में मौला पंजाब गए थे लाहौर में 1911 में, और उसके बाद 1938 में आए साहिबजादा अब्दुल कयूम जो अभी है आपका सियासी लीडर है पठानों की साइड में, उसका बाप था। उसने एक दफा सरकार को कहा, मौला को कहता है सरकार नामदार आप पेशावर आओ, मैं अपने कहा आऊंगा। दूसरी दफा मुलाकात की फिर अरज की, तब कहा आऊंगा। तीसरी दफा मुलाकात की फिर कहा, बड़ा जोर लगाया और पठानी दावत थी, यानी पठानों की दावत जोरदार होती है। कहने लगा सरकार 1911 में लाहौर के अंदर मुसलमानों ने आपकी गाड़ी के घोड़े उतार के आपकी गाड़ी खींची थी, अल्लाह की कसम आप रावल पेशावर, मैं रावलपिंडी से पेशावर तक आपकी गाड़ी खींचूंगा, इंजन निकाल दूंगा। इमाम को जानने वाले हैं मगर हमारी नजर जुदी किस्म की है। मौला 1938 में लाहौर आए, पंजाब जमात को हुक्म किया कि तुम रायविंद में इकट्ठे हो। जनवरी का महीना था, सरकार रायविंद आए, लाहौर से थोड़ी ही दूर है एक स्टेशन है, और रायविंद से निकल के सरकार मुल्तान जाते थे और मुल्तान से कराची आते थे। मुल्तान जमात को हुक्म था कि तुम रायविंद मत आओ, मैं आता हूँ मुल्तान। सरकार कराची आ रहे थे, उस वक्त मुल्तान में एक मौलवी साहब थे और वो इस्माइलियों को बहुत बुरी नजर से देखते थे, कुफ्र का फतवा भी लगा दिया था कि इस्माइली काफर हैं। इस्माइली जवान उनसे बड़े बिगड़े हुए थे और सबको पता भी था उसकी इस आदत का और सुलूक का। जब सरकार के मुल्तान जाने की तैयारियां हुई तो मुल्तान में दो स्टेशन है, एक शहर का है जो छोटा स्टेशन है, कैंटोनमेंट बड़ा अच्छा है। मुस्लिम लीग वालों ने, मुसलमानों ने, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह मुल्तान 1899 में गए थे, यानी 39 बरस के बाद मुल्तान गए, तो उन्होंने तो मुल्तान वालों ने वो जोश और जज्बा दिखाया कि बात छोड़ दो। उन्होंने बाजार सजाए, घर सजाए, मस्जिदें सजाई और स्टेशन सजाया खूब, और उनको देख देख के
یہ ملک آپ چلتے تھے. مگر جب ایسا شور و ہوگا ہوا مولا کو ریسیو کرنے کے لیے اتنے یعنی اسماعیلی تو تھے ہی مولا کے مرید اور عاشق, لیکن خیروں نے بھی ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں نے بھی جب ہمارے امام کی اتنی قدر و منزلت کے لیے تیاریاں کی تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ بھئی ضرور اس میں کچھ ہے تو صحیح. اس وقت طوفان نام کا ایک اخبار نکلتا تھا اور اس کا ایڈیٹر تھا ظفر, غلام علی ظفر. یہ مولوی گیا غلام علی ظفر کے پاس اور وہ اس کو جانتا تھا اچھی طرح سے. غلام علی ظفر نڈر بے دھڑک آدمی تھا, بڑا عالم شخص تھا. ایسی الٹی سیدھی اس کو پڑھائی کہ اس کے دل میں یہ تو ہوا کہ چلو میں آج آج ماہ کے تو دیکھوں برتن پاتر نے پرچی نے آزما کے تو دیکھوں. اس نے سوچا کہ میں آغا خان کو کہاں دیکھوں, کینٹونمنٹ کے اسٹیشن پہ جائے گا تو شاید اسماعیلی چھوکرے ماریں گے اس کو. میں اس اسٹیشن پہ جاؤں کہ جہاں کوئی آدمی نہیں ہوئے تو اس پر فون کیا. اس اسٹیشن کا اس وقت اسٹیشن ماسٹر ایک اسماعیلی تھا. مولوی صاحب نے اس کو چاہا کہ کس طرح سے میں اس کا امتحان لوں. موتیے کا ایک آنے کا ہر خریدا, موگرے کے پھول کا ایک آنے کا ہار خریدا, پانی میں ڈال کے لپیٹ لپیٹ کے رومال میں. نیت یہ کی کہ اگر یہ سچ مچ علی نبی کا جانشین ہے اور اس میں روحانی قوت اور بھی ایک امام زمان اگر آقا ہی سچا ہے جیسے اسماعیلی کہتے ہیں تو یہ خود مجھ کو بلا کے میرا ہار پہنے کا. یہ نیت کر کے رومال میں پھولوں کا ہار باندھ کے یہ آیا یہ چھوٹے اسٹیشن کے اوپر. یہاں کا اسٹیشن ماسٹر اسماعیلی تھا, اس کو جو دیکھا تو وہ بگڑا. اس نے کہا کہ دیکھو میں کوئی شرارت کرنے نہیں آیا, کوئی شرارت کرنے نہیں آیا, میں محض کو دیکھنے آیا ہوں. کہتا تو چلے جا سکتے. کہتا نہیں دیکھو میں یہ ہار لایا ہوں, مجھے جاننا ہے کہ اگر واقعی یہ امام سچا ہے اور یہ علی نبی کا نور اس میں ہے تو یہ خود مجھ کو بلائے گا, میں اس کے پاس نہیں جاؤں. اچھا اس نیت کیا ہے, کھڑے ہو جا. اس کو اس کونے میں کھڑا کر دیا کہ آگے نزدیک نہیں آنا. اب یہاں مولا کی گاڑی آئی, دروازے وغیرہ مٹی اڑنے کی وجہ سے سب بند کیے ہوئے تھے. ایئر کنڈیشن روم تھا مولا کا. اسماعیل حسین علی جویری مولا کے ساتھ تھے, ایک دو اور آفیسر بھی تھے. جب گاڑی کھڑی ہوئی تو اسماعیل کو پوچھا حسین علی کون سا اسٹیشن ہے؟ کیا خدا یہ چھوٹا اسٹیشن ہے, جماعت اگلے اسٹیشن پہ ہے. تو مولا دروازہ کھول لے لگے. اسماعیل نے پھر کیا خدا بند جماعت ادھر نہیں ہے, ادھر کوئی نہیں ہے اسٹیشن پہ, کوئی نہیں. ماں باپ نے اس کو کوئی جواب بھی نہیں دیا. کھڑکی کا دروازہ کھولا اور سرکار نے اپنا سر مبارک باہر نکالا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسٹیشن پہ کوئی نہیں. اتمار حسین علی اوپر کے نیچے کھڑا تھا. اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. صاحب نے اس کو نزدیک بلایا, تم اسٹیشن ماسٹر ہو؟ کہتے ہاں خدا نا. شاباش خان, کب سے نوکری کرتے ہو؟ کتنے برس ہو؟ بال بچے کتنے؟ یہ باتیں کرتے رہتا ہوں. وہ جو مولوی ہے نا اس کو بلاؤ. کس نوکری تو اس میں ادھر ہی کھڑے کھڑے اس کو بولا ادھر آؤ, آگا خان سب تمہیں بلا کے آیا. السلام علیکم. وعلیکم. ہمارے لیے تم پھولوں کے ہار لائے ہو؟
और पैदा हो। इसका बदन